सत श्री अकाल गाइस, क्या हाल चाल है। मेरा नाम एलएल सिंह है और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल नेशन फर्स्ट। तो भाई लोगों, आज मैं एक डिफरेंट सी वीडियो लेके आया हूँ। एक मैं ना यूट्यूब पे देख रहा था, वीडियोस देख रहा था, उसमें मेरे को एक वीडियो नजर आई। ये है, इसका नाम है अकबर अबिद, ठीक है। तो ये यूट्यूबर है पाकिस्तान का। तो इसने ना इसने वीडियो बनाई है पंजाबी को लेके। तो उसने जो टाइटल दिया हुआ था वो दिया हुआ था कैन पाकिस्तान पंजाबी रीड और रिकॉग्नाइज इंडियन गुरमुखी पंजाबी। गुरमुखी वो होती है जो हम जो स्क्रिप्ट लिखते हैं, जो हम जैसे आप हिंदी हिंदी की स्क्रिप्ट होती है ना, हिंदी लिखी जाती है, ऐसे पंजाबी की स्क्रिप्ट होती है, उसको गुरमुखी बोलते हैं। तो उसके ऊपर सोशल एक्सपेरिमेंट किया है। तो मैं आपको कुछ इसमें बातें बताऊंगा, पूरी वीडियो देखना, आपको समझ आएगी और इस भाई को, भाई ये पाकिस्तानी को भी समझ आएगी। और इनके बंदे देखना कैसी बातें करते हैं, और मैं आपको बीच में बताऊंगा कि इनकी प्रॉब्लम क्या कहाँ पे है, ठीक है। चलिए, मेरे को नहीं पता कि मैं ये वीडियो कर रहा हूँ सिर्फ आप लोगों की इंडियन भाइयों के लिए, दिखाने के लिए। मेरे को नहीं पता ये स्ट्राइक दे दे ना दे क्या करे, लेकिन इनसे तो 99% मेरे को डर ही लगता है कि ये स्ट्राइक मार सकते हैं। लेकिन स्ट्राइक का चलो डर नहीं इतना है मेरे को, लेकिन एजुकेट करना आपको जहाँ अपने हिंदुस्तानी भाइयों को, ये मेरा फर्ज है, इसलिए मैं ट्राई मार रहा हूँ। बाकी देखते हैं, चलिए वीडियो देखते हैं, वीडियो के बीच में मैं बातें करूंगा आपके साथ। सो लेट स्टार्ट द वीडियो। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज मैं एक बड़ी खास वीडियो लेके आया हूँ अपने पंजाबी भाइयों के लिए। जैसे आप सब लोगों को मालूम ही है कि पंजाब 75% पाकिस्तान में है और 25% इंडिया में है। पाकिस्तानी पंजाब को मगरबी पंजाब कहा जाता है और इंडिया के पंजाब को मशरकी पंजाब। जो मशरकी पंजाब है वहाँ पर पंजाबी सरकारी जुबान है, लेकिन उनकी और हमारी पंजाबी में फ़र्क है लिखने का। जैसे उर्दू और हिंदी में है, इसी तरह मशरकी पंजाब की पंजाबी गुरमुखी स्क्रिप्ट में लिखी जाती है। मगरबी पंजाब के मुसलमान इसको शाहमुखी में लिखते हैं, जो कि बिल्कुल उर्दू की तरह का स्क्रिप्ट है। इस बुक को आपने देखा ही होगा, इसमें मैं पहले भी व्लॉग बनाया था। ये एक हिंदी की बुक है। आज मैं सारे एक और बुक लेके आया हूँ, ये पंजाबी की बुक है। तो आज की इस वीडियो में हम लोग ये पता करने की कोशिश करेंगे कि पाकिस्तानी पंजाबियों को गुरमुखी का पता है भी कि नहीं, और अगर पता है भी तो क्या वो हिंदी के देवनागरी स्क्रिप्ट और पंजाबी के गुरमुखी स्क्रिप्ट में फ़र्क कर पाएंगे कि नहीं। तो आज की वीडियो का फॉर्मेट ये होगा कि पहले मैं उनको गुरमुखी का स्क्रिप्ट दिखाऊंगा, तो मतवक्के तौर पे उनका रिस्पांस ये आएगा कि ये हिंदी है। तो उसके बाद मैं उनको ये हिंदी की किताब दिखाऊंगा और पूछूंगा कि अगर ये हिंदी है तो फिर ये क्या है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सर आपका क्या नाम है? मेरा नाम जी रशीद अहमद जी। ये कौन सी लैंग्वेज है? सीधा सीधा कीजिएगा, सीधा सीधा कीजिए। मुझे ये पता नहीं है कि कौन सी लैंग्वेज है, ये शायद वो इंडियन भी हो सकती है, हिंदी हिंदी भी हो सकती है सर, और ये जापानी भी शायद हो सकती है, जापानीज़। नहीं जापानी नहीं है सर, ये कौन सी लैंग्वेज है? आई डोंट नो कि ये कौन सी लैंग्वेज है, गैस कर दे। लेकिन ये अंदाजन इस तरह से जो ना इंडियन जो ना लिखते हैं सर। ये भी इंडियन है, वो भी इंडियन है, क्या चक्कर है? मुझे नहीं पता क्या चक्कर है, लेकिन ये कि लैंग्वेज से अंदाजा हो रहा है कि ये इंडिया। सर गैस कर दें, मतलब फाइनल गैस, इसका और इसका। इसका और इसका गैस तो कुछ नहीं, शायद इसमें सिर्फ रिटन एक्शन का, मतलब इन राइटिंग जो इन्होंने यूज़ किया है ना अपना, क्या कहते हैं उसे, रस्म उल खत, उसमें शायद चेंजेस है, शायद चेंज है। सर आप पख्तून हैं या पंजाबी? मैं पंजाबी हूँ। पंजाबी हैं सर, मैं आपको पढ़ के दिखाता हूँ कौन कौन सी जुबान है, ठीक है। हर परेशानी के बाद नरगिस सुनील को बेहतर जानती गई, क्योंकि ज़्यादातर परेशानी सुनील की। ये कौन सी लैंग्वेज थी? तो ये सुनील जो लाजमी बात है कि इंडियन हिंदू वर्ड है, जो हम नॉर्मली पाकिस्तानी यूज़ नहीं करते, तो ये इंडियन ही होगी, जो आप हिंदी होगी, आप जो बोल रहे हैं तो आप इसका मतलब पढ़ सकते हैं। अब लाइन मैं वो पढ़ के दिखाता हूँ आपको जी। ये अपने गैस, अब देखना ये कौन सी है, ठीक है। बनावटी दंद, बनावटी दंद यानी फेक टीथ। हाँ जी, बनावटी दंद जी। डॉक्टर जी, मेरे ढिड विच हर वक्त दर्द हुंदी है। ये पंजाबी लैंग्वेज है जी। पंजाबी है ते तुसी कित्थों दे हो वैसे? मैं पंजाब दा रहण वाला, बहावलपुर दा। बहावलपुर दा ते ऐसा क्यों लिखी गई है पंजाबी, कोई मतलब पता होए? नहीं पता क्यों लिखी गई, लेकिन हो सकता है कि पुराना रस्म खाते ही होवे। पुराना रस्म खाते जी, पुराने जमाने जिस तरह लिखी जाती हो, वे कोई तुम्हारे को यूनिक बुक है पुरानी। नहीं, अजकल की जुबान है। नहीं, किड़े शहर की जुबान है, किड़े सूबे की, कितने दी है?
नहीं कोई अंदाजा नहीं है केस हो गए। चलो तुम्हें मैं दसना चढ़दा पंजाब किनू कहंदे ने? चढ़दा पंजाब लाहौर या लेकिन ज्यादातर असि नॉर्मल रूटीन च उर्दू बोलते क्यों बोल रहे हो? बस वैसे ही बच्चे स्कूल पढ़ते हैं तो और फिर अजकल तो उर्दू भी छड़ के स्कूल वाले इंग्लिश आ गए हैं। तुम्हें नहीं लगता कि पंजाबी च एजुकेशन होनी चाहिए? नहीं होनी चाहिए है मादरी जबान, लेकिन पंजाबी च एजुकेशन तो तुम कह रहे हो सही है होनी चाहिए, लेकिन एक्चुअली किताबा भी फिर होनी चाहिए ना हायर लैवल होनी चाहिए लाजमी होनी चाहिए। बिल्कुल अगर पंजाबी एजुकेशन है तो हायर लैंग्वेज भी होनी चाहिए। बच्चे पंजाबी शुरू च पढ़ के आ जाने या घरों बोलना सीख लें लेकिन बाद की करेंगे बाद सारी इंग्लिश है। बिल्कुल ठीक बिल्कुल ठीक कह रहे हो। पंजाबी का बुले शाह शेर सुना रहे हो? बुले का शाह शेर नहीं कोई खास मैं नहीं पता आना कोई गलत दसना नहीं जी कोई शेर शेर शायर बंदे नहीं ठीक है बहुत बहुत मेहरबानी सर। अच्छा ये 40-50 साल का एज का बंदा था जिसने, लेकिन मैं इस पाकिस्तानी का देखता हूँ कि इसने पंजाबी अच्छी ठीक ढंग से पढ़ी है और हिंदी भी ठीक ढंग से पढ़ ली है। आई डोंट नो कि ये कहाँ पे पढ़ा लिखा है कैसे पढ़ा लिखा है, लेकिन इसने पढ़ी है ठीक है। मैं इसकी वीडियो इसलिए दिखा रहा हूँ कि मेरे को ये वीडियो थोड़ी सी ठीक लगी है कि इस पाकिस्तानी को देख के ना मेरे को लगा है कि हाँ कि ये पाकिस्तानी ना कि कुछ एजुकेट करना चाहता है। लेकिन मैं आपको एक बात बताता हूँ, इन पाकिस्तानियों की प्रॉब्लम पता क्या है, जो पंजाबी है ना उसकी बेस जो है जो पंजाबी शुरू हुई है या जिस इसका बेस है वो है ही गुरुमुखी है। पंजाब में पूरे पंजाब में जहाँ लहंदा पंजाब जिसको लहंदा पंजाब कहने हैं वो जैसे पाकिस्तान में उसको लहंदा पंजाब कहने हैं चढ़दा पंजाब कहने हैं आप अपने पंजाब नू इंडिया वाले नू। तो इनकी जो प्रॉब्लम है ना इनको एक तो आइडेंटिटी क्राइसिस हो गया पाकिस्तानियों को, इस वजह से ना ये इंडिया के रहे ना ये तुर्क के रहे ना ये अरब के रहे ठीक है। और दूसरा इनको लैंग्वेज जो हमारी पंजाब की लैंग्वेज है ठीक है जो इंडिया की लैंग्वेज है पंजाबी ठीक है उसका भी क्राइसिस हो गया है। इसको इनको ये नहीं पता कि ये जो बेसिक इसकी जो लैंग्वेज है ना वो पंजाबी ये गुरमुखी में ही बोली जाती है ठीक है। पंजाबी की जो लैंग्वेज शुरू हुई थी ये हमारी ही शुरू हुई थी, हमने ही शुरू की है यहाँ पे इंडिया में ठीक है। तो इनको ये देख लो इनका ये प्रॉब्लम है, इनको ये नहीं पता कि जहां से लैंग्वेज शुरू हुई है जो उसका बेस है गुरमुखी वही पंजाबी है एक्चुअल में। अगर आप पंजाबी बोलते हो अगर आप गुरमुखी में लिखते हो आप पंजाबी को उर्दू में नहीं लिख सकते, आप पंजाबी को हिंदी में नहीं लिख सकते, आप पंजाबी को इंग्लिश में नहीं लिख सकते। उसका बेस इंग्लिश का बेस इंग्लिश है इंग्लिश लैंग्वेज ठीक है, हिंदी का बेस हिंदी लैंग्वेज है और ये सारी लैंग्वेज संस्कृत से उठाई गई है, संस्कृत के वर्ड यहां से नीचे आए हैं उसके बाद हिंदी उसके बाद पंजाबी उर्दू ठीक है। ये इंडियन लैंग्वेज है उर्दू भी ठीक है, तो उर्दू में आप उर्दू में ही लिखोगे, उर्दू को आप पंजाबी में नहीं लिख सकते। तो ये है इनका आइडेंटिकल क्राइसिस और वो बंदे को कुछ नहीं पता, उसको ना लहंदे पंजाब का पता ना उन चढ़दे पंजाब का पता ठीक है। तो ये है ये ऐसे कौम ये बदल चुकी है पाकिस्तानियों को अब समझ नहीं आ रही ये है कौन है एक्चुअली में, इनको ये भी नहीं पता ये इंसान है भी है कि क्या है ये। अस्सलाम वालेकुम मैम। I am a teacher. I teach at a university. मैं हंसी सुना रहा हूँ, रहती पाकिस्तान में और नाम रखे हुए हैं अरेबिक। आप जिस धरती पे जुड़े हो उसी के तरीके के नाम रखोगे तो तभी अभी ये टीचर है अब इसकी बातें सुनना। University. Yeah. Nice. Ma'am, could you tell which language is this one? Nepali. I in Nepali or Sanskrit, I'll stick with Nepali language. Nepali, एक इसको पकड़ेंगे। अच्छा, okay. तो ये कौन सी language है? Is that the same then? Okay, hold on.
Let me see. No, this one is it? Let me first see. It looks similar. Similar, but not the same, right? Yes, similar. I mean, it's similar, but not exact. Yes. Should I read one? Sure, please do that. इसी बीच सुनील ने नरगिस को लिखा कि मिस इंडिया रिलीज हो चुकी है और खूब चल रही है. So which language is this one? No. So how do I know which language this is? You've just translated it. So no, I read it. I did not translate it. I read it for you. Okay. So I mean, because the word India. वो पढ़ रहा है, लैंग्वेज ट्रांसलेट नहीं कर रहा, वो पढ़ के सुना रहा है. क्या है ये, है टीचरों का हाल. ठीक, आगे देखते हैं. इज देयर प्रोबब्ली इट्स फ्रॉम द सबकॉन्टिनेंट हिंदी संस्कृत. इसी बीच सुनील ने नरगिस को लिखा कि मिस इंडिया रिलीज हो चुकी है और बहुत अच्छी चल रही है. व्हिच लैंग्वेज इज दिस वन? आई मीन द वन दैट यू स्पीकिंग इज उर्दू, बट इज उर्दू. या बट दिस वन हिंदी. या हिंदी. लेट मी रीड दिस वन. ओके श्योर. कैन यू? या श्योर. ऑलराइट. हड़ताल. कल दी हड़ताल विच विद्यार्थियों ने कई बसों के शीशे भन्न दिते सन. Do you speaking Punjabi? So why Punjabi is written in this script? I don't know. I believe these are still, maybe this is a deviation of this, so it's a different language. I don't know. It is Punjabi. It's Punjabi. Okay. So this is Sanskrit, Hindi. This is Hindi. Yes. This is Devanagari, actually Devanagari. Okay. So what about this one? Well, I guess it would be different. It has to be different, right? अच्छा, कभी आपने इस तरह की स्क्रिप्ट देखा है कभी इंटरनेट पे या टीवी पे? नहीं. नहीं, ये गुरमुखी है. ओके. ये जो मशरकी पंजाब है या चढ़दा पंजाब है, वहाँ पे इस तरह से लिखी जाती है. ठीक है. तो मैम, आप कहाँ से हैं? पंजाब से हैं? मैं तो इस्लामाबाद. पंजाब से मुराद आपकी इंडियन पंजाब? यस मैम, इंडियन पंजाब, मशरकी पंजाब. तो उसकी लैंग्वेज आप यहाँ इस्तेमाल कर रहे हैं? जी मैम. अच्छा, वाय मैम, असल में इस वीडियो का मकसद ये है कि लोगों को पूछ, मतलब जानना कि क्या पंजाबियों को दूसरे पंजाबियों के बारे में कितना पता है. आई डोंट यूज दिस इंग्लिश एज ए मीडियम, इंग्लिश इज ए कॉमन. अब तो बच्चे हर आदमी बोल लेता है, लेडी वाला भी बोल लेता है. मैम, लेकिन ये हमारी ज़ुबान नहीं है. अब जो एक तारीख होती है ना, अब जैसे हमें पढ़ाया जाता गालिब को, मीर को, वो दिल्ली और लखनऊ के थे. हमारे बुल्ले शाह, हमारा बुल्ले शाह हो गया, ठीक है, माधुलाल हो गया, हुसैन हो गया, वो पंजाब के थे. वो हमारे, मतलब हमारी एक जो लैंग्वेज है उसके अंदर तारीख होती है. अब हमारा बुल्ला है, ठीक है, जैसे वो कहता है कि बुल्ले ने समझावाना है, पैनाते पढ़ाइयाँ छड़ दे पल्ला रहीयाँ, बोले उसने ज़ात पात के उस इशू को टैकल किया. अब मीर है, गालिब है, वो लगा हुआ है जी के बुलबुल की तरह तुम हसीन हो, उसका आम आवाम से कोई तल्लुक नहीं है. ठीक है, अगर आपने पंजाब का, चूंकि आपके क्वेश्चन पे आता हूँ कि इंग्लिश क्यों ना पढ़ जाए, क्योंकि हमारी ज़ुबान है. मतलब हम पंजाबी हैं, हम लोग यूपी के नहीं हैं, हम लोग बिहार के नहीं हैं, हम लोग पंजाबी हैं. पंजाबी पंजाबी ही बोलेगा, जितनी मर्जी आप उर्दू सिखा लें, ठीक है, हम लोग पंजाबी ही बोलेंगे. अस्सलाम वालेकुम. आप देखा उसकी माँ कैसे कूद गई. ये तुम उसकी क्या सुना रही हो? इसकी माँ को ये नहीं पता कि उर्दू भी इंडिया की है. इसकी माँ को ये नहीं पता जब पंजाबी गुरमुखी है, गुरमुखी से ही पंजाबी स्टार्ट होती है. ठीक है, पंजाबी उर्दू से नहीं स्टार्ट हुई, पंजाबी हिंदी से नहीं स्टार्ट होती. पंजाबी जब बोलते हो उसको लिखा जाता है, उसकी ओरिजिनल लैंग्वेज गुरमुखी है. उर्दू की ओरिजिनल जो है वो उर्दू में लिखी गई है. माँ देखा कैसे कूदी है, कितनी तकलीफ होती है, ये होता है. और इस बंदे ने बिल्कुल सही समझाया. ठीक है, गालिब ने ये कर दिया, गालिब बुलबुले उड़ाता है. ये अब मैं बताता हूँ आपको, जैसे हर एक को अपने लैंग्वेज पर प्राउड होता है. जैसे आप लगा लो कि साउथ वालों को अपनी लैंग्वेज पे प्राउड है, ठीक है, कि हरेक को, बंगाल वालों को बंगाली पे प्राउड है, तो हरेक को अपने प्राउड होता है. ये इनकी इतनी बेशर्मी है, इतनी इंग्लिश सीखनी है, बच्चा इंग्लिश बोलता है. ओ बाय गॉड भाई, इसलिए बोलता हूँ अपनी जड़ों से हमेशा जुड़ के रहो. लैंग्वेज सीखना, दूसरे की लैंग्वेज यूज़ करना कोई नहीं. मैं हिंदी बोलता हूँ, मेरे को हिंदी पढ़नी आती है, मेरे को लिखनी आती है, मेरे को इंग्लिश पढ़नी आती है, इंग्लिश लिखनी आती है, मेरे को पंजाबी लिखनी आती है, पंजाबी पढ़नी आती है. ठीक है, मेरे को उर्दू भी बोलनी आती है. मैं उर्दू ही बोल रहे हैं, हम बेसिकली मिक्सचर है. ये तीनों लैंग्वेज का मिक्सचर ही होता है, तो तीनों लैंग्वेज सेम ही है. ठीक है, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे फर्क हो जाता है, लेकिन आप समझ लेते हो, पंजाबी बोलने वाले की बात भी समझ लेते हो, हिंदी बोलने वाले की, उर्दू वाले की भी. तो उसको देखो, उसकी माँ कैसे कूद के आई. आपने देखा इनके अंदर, ये जो इसने जवाब दिया बिल्कुल अल्टीमेट जवाब दिया, अल्टीमेट इस बंदे ने. आपका नाम क्या? वालेकुम सलाम, मुदस्सिर नाम है मेरा. मुदस्सिर मुदस्सिर, आप पंजाबी हैं? नहीं, मैं हजारा से हूँ. हजारा, हजारा हस्सी अज मरियाबाद कोयटा? नहीं, हजारा आपका बात के पी के वाला हिंद को. तो पंजाबी नहीं हो? पंजाबी नहीं भाई मेरा. पंजाब, आप पंजाबी हो?
मैं पंजाबी हूँ। हिंद को आप लेते कौन बना रहे हैं? कौम तो नहीं, मतलब जुबान की बेस पे तो अलग कौम है भाई। जो हिंद को है ना, ये पंजाबी का डायलेक्ट है भाई, आप लोग पंजाबी हो ठीक है। एनीवे मैं आपसे ना ये सवाल पूछूंगा कि मेरे पास ये बुक है, तो ये कौन सी लैंग्वेज लग रही है आपको? मुझे तो ये हिंदी लग रही है। ये हिंदी है? हाँ। तो फिर ये कौन सी लैंग्वेज है? नहीं, ये दोनों सेम है, देखिए लग रही तो ऑलमोस्ट सेम है दोनों। ऑलमोस्ट या एग्जैक्ट सेम है? नहीं नहीं, एग्जैक्ट नहीं, ऑलमोस्ट सेम लग रही है। मैं आपको पढ़ के बताऊँ ये कौन सी जुबान होगी। इसमें पढ़ें, पहले ये पढ़ के दिखाता हूँ, पेज खोलें। अच्छा, राज ने शातो मरीन की घंटी बजाई और नरगिस जो किचन में, ठीक है ये हिंदी हो गई। ये मैं आपको पढ़ के दिखा दूँ, ठीक है ये फिर आप गेस करिएगा ये कौन सी लैंग्वेज है। अच्छा, ये कहानी का नाम है श्रद्धा। जीता साइकिल दे डंडे ते अपने कपड़ा बन के अपने 8 साल दे बेटे नू, ये कौन सी लैंग्वेज हुई? पंजाबी लग रही है देख सुनने में तो। पंजाबी है भाई जान, वो आपकी हिंदू को वाली पंजाबी है। अच्छा ये वही है। अच्छा ये आप पंजाबी में, आपने हिंदू में बोल के दिखाएं कि जीता साइकिल दे डंडे ते कपड़ा बन के 8 साल दे बच्चे नू, इसको हिंदू में बोलें। गीता साइकिल दे डंडे ते कपड़ा बन के 8 साल दे बच्चे नू, ये हिंदू को बोली है, तो कोई फर्क आया? सेम है, ऑलमोस्ट सेम है। ऑलमोस्ट नहीं, ये बिल्कुल सेम है, ठीक है। आज के बाद अगर आपसे कोई पूछे कि आप मतलब कौन सी कौम के हो, तो आपने बोला पंजाबी। क्या बोलना है? पंजाबी। मेहरबानी। मैं आपको एक बात बताता हूँ, ये पाकिस्तानियों को पता ही नहीं है कि पंजाबी लैंग्वेज है क्या है, ठीक है। हिंदू को मैं आपको बताता हूँ, ये जो महाराजा रणजीत सिंह का पंजाब है ना, नक्शा निकाल के देखेंगे ना तो पूरा पंजाब, हिमाचल में भी मैं आपको मैं तो जाता रहता हूँ ना हिमाचल में, हिमाचल में भी पंजाबी बढ़िया ढंग से बोली जाती है, बढ़िया ढंग से। वो फ़र्क होता है कि आप लिख नहीं पाते। अब जैसे मैं संस्कृत है, संस्कृत में नहीं लिख पाता, ठीक है, लेकिन संस्कृत के कुछ वर्ड्स होते हैं मैं बोल पाता हूँ, लेकिन मेरे को पता तो है ना, ठीक है। तो ऐसे ही है जैसे इनको, चलो ठीक है पंजाबी नहीं पढ़नी आती लग बात है, लेकिन ये इन्होंने गलती पता क्या की है, पंजाबी ये पंजाबी सूबा था बहुत बड़ा, हरियाणा हिमाचल और वहाँ वो लगा लो आप क्या कहते हैं अफगानिस्तान को जाके पंजाबी सूबा था पूरे का पूरा। और जब जहाँ पंजाबी स्टार्ट हुई थी तो पंजाबी बोलने के लिए पंजाब गुरमुखी पहले लिखी गई थी, फिर पंजाबी बोली गई थी, ठीक है। तो यहाँ सब पंजाबी बोलते थे जब हमारी पार्टीशन हुई, ठीक है। उसके बाद इन्होंने क्या किया कि पंजाबी बोलने तो लग गए, लेकिन लिखने कहाँ में लग गए? उर्दू में। अब वो हिंदको वाला है, वो जाके हिंदको भी पंजाब का हिस्सा है और सारा पंजाब में पंजाबी ही बोली जाती थी। अब इनको ये समझ नहीं आता क्योंकि पढ़ाया नहीं ना जाता। इस बंदे ने जो ये पाकिस्तान का जो यूट्यूबर है, इसकी मेरे को वीडियो अच्छी लगी तभी मैंने आपको दिखाई है कि ये बंदा उनको नॉलेज दे रहा है और खुद पहले नॉलेज ली कि है क्या चीज़ अपनी जड़ों से। ये बंदा लगा है मेरे को कि बंदा अपनी जड़ों से, चलो थोड़ा बहुत नहीं, एक आधी जड़ तो इसकी है जुड़ी हुई, हिंदी भी बंदा पढ़ रहा है। मैम आपका नाम क्या? शाइस्ता। शाइस्ता मैम, मैम आप क्या करती हैं? एक नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन उसके साथ काम कर रही हूँ। एनजीओ टाइप? जी हाँ। ठीक हो गया। अच्छा मैम, ये कौन सी लैंग्वेज है? मैं आपको ये दिखाऊं। सीम्स लाइक वो क्योंकि इंडियन फिल्में देखते हैं तो ऐसा लगता है हिंदी में कुछ लिखा हुआ है। ये हिंदी है मैम। हाँ। एक सेकंड पकड़ेगा। तो ये कौन सी लैंग्वेज है? मुझे अभी ऐसे मैं वो कर नहीं सकती डिफरेंस, लेकिन ऐसे बंगाली और शायद मैम आपको पढ़ के दिखाऊं। जी पहले ये पढ़ के दिखाता हूँ, ठीक है। सुनील उसके इस बर्ताव से परेशान हो उठे। अच्छा ये कौन सी हुई? सुनील उसके इस बर्ताव से परेशान हो उठे। आप तो जो उर्दू बोल रहे हैं ये हिंदी होगी, उर्दू हिंदी होगी। अब मैं इसको पकड़ेगा, मैं इसको बोल के दिखाता हूँ आपको। इसका ये चाचा, कहानी का नाम है चाचा। सोना सुनखा ये असल में आपको बताता हूँ, ये पंजाबी लैंग्वेज है, इतनी ये डीट है कि ये मुझे भी बोली नहीं आ रही। सोना सुनखा मैंने भी कभी इस्तेमाल नहीं किया इस तरह का लफ्ज ना। अच्छा ये पंजाबी लैंग्वेज है, तो ये इस तरह क्यों लिखी हुई है पंजाबी लैंग्वेज? डीट लाइक मुझे तो ये समझ आता है कि ऑब्वियसली जिस ऑडियंस को वो कैप्चर करना चाह रहे हैं उनके लिए लिखी गई है जबान, तो वो उसी कंट्री को अपन उसी जुबान में लिखी है जिस ऑडियंस को कैप्चर करना चाहते हो। ओ भाई,
ओ ये ऑडियंस नहीं है, ये जिनकी है, ठीक है, जो जहां से स्टार्ट हुई है वो लैंग्वेज, वो स्क्रिप्ट लिखी हुई है, पंजाबी गुरमुखी है, वो ऑडियंस को अट्रैक्ट करना चाहते हैं। ये है इनका आईक्यू लेवल और ये है इनकी सोच। बाद में एंड में पंजाबी तो अब मुझे फिर वही हो रहा है कि पंजाबी तो अगर हम इस तरह जैसे आप बोल रहे हैं अगर हम उस तरह लिखना चाहें, क्योंकि हमारा शायद वो डिफरेंट होता है लिखने का। जी जी उर्दू वाला होता है। हाँ, और ये मुझे अब फिर वही पंजाबी है तो फिर आपके यार तो हो सकता है आप उसको खुद ऐसे पढ़ रहे हो टू मेक मी जस्ट से कि आ चाहिए जो आप बोल रहे हो सही। मैं ये दूसरी कहानी पढ़ता हूँ। झूठा प्रण, झूठा प्रण, सब तो पहला तो आप इंसान हाँ, सब तो पहला तो आप इंसान हाँ, जात पात तो सिर्फ शरारती लोगों ने देन, शरारती लोगों की देन है। ये पंजाबी है हाँ। लेकिन नहीं पंजाबी है, लेकिन जो आप वो जात पात और ये वाला वो जो कर रहे हैं ना और जो एक्सेंट आप बोल रहे हैं ये इंडियन फोकस्ड है। आपने बिल्कुल ओ भाई जहाँ की लैंग्वेज होगी वहीं की वहीं का एक्सेंट होगा ना, वहीं से स्टार्ट होगी ना। आपने तो हलवा बना रखा, आपने पंजाबी का हलवा बना दिया, ठीक है, आपने उर्दू का हलवा बना दिया, आपने इंग्लिश का भी हलवा बना दिया, आपने अफगानिस्तान के आपके बोलते हो ना लैंग्वेज उसका भी हलवा बना, आपने चार पाँच लैंग्वेज ली उसका हलवा बना के मिक्सर कर दिया। आपको ना पंजाबी सही ढंग से बोलनी आती है, ना हिंदी बोलनी आती है, ना उर्दू बोलनी आती है, ना अफगान की बोलनी आती है, ना ईरान की, ना अरबी की बोलनी आती है सही ढंग से। आपको आता क्या है? ये कह रही है कि आप वो हलवा ये है, तो ये देख लीजिए सही जवाब दीजिए। इंडियन है, इंडियन पंजाब की है। तो आपको इसका आइडिया है कि इन दोनों में से किसी का नाम क्या होगा स्क्रिप्ट का? ऑनेस्टली मुझे नहीं पता मैम। इसमें ना हम वीडियो में किसी को जज नहीं कर रहे, इसको बोलते हैं गुरमुखी। अच्छा, ये इंडियन पंजाब में इस तरह इसको लिखा जाता है। अच्छा, और ये देवनागरी है, इसमें संस्कृत भी में लिखी जाती है और हिंदी भी में लिखी जाती है। ठीक हो गया, थैंक यू सो मच मैम जी। अभी हम लोग ब्लॉग खत्म करके जा रहे थे कि मैंने पार्किंग में सर को देखा, सर जैगम सर से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। सर आप जर्नलिस्ट हैं जी, मैं आपसे बस पूछूंगा कि ये आपने लैंग्वेज गेस करनी है। जी सर ये लो। मेरे ख्याल में ये बंगला है। बंगला? हाँ जी। नहीं बंगला नहीं है। बंगला नहीं है ये जी। सेकेंड गेस। अच्छा जी, ये श्रीलंका की लैंग्वेज हो सकती है। लंकन सर इंडियन लैंग्वेज है। तमिल हो सकती है फिर सर, पहले इसको गेस कर लें, पहले ये गेस कर लें, इसको खोल लें। देखिए ये तो हिंदी लग रही है। ये हिंदी है, ये तो हिंदी है। ठीक है ना जी, क्लियरली। सर आप कौन से शहर से हैं? मैं मुल्तान से हूँ। आप मुल्तान से हैं? हाँ। तो बड़ी करीबी है मुल्तान की ये जुबान। सर पढ़ के दिखा दूँ? आप पढ़िए जी। सर पढ़ करता हूँ। Oh एक मिनट, एक मिनट। काफ़ी देर मैं अपने स्कूटर नू पो के साफ करके ते पालिश पालिश मार के असल में सर मैं बहुत नर्वस हूँ। मैं बहुत गुरमुखी है, मैं बहुत नर्वस हूँ। पंजाबी है गुरमुखी स्क्रिप्ट में लिखी हुई। बिल्कुल सर, थैंक यू सो मच सर। अच्छा जी, अच्छा अभी इस वीडियो को हम ख़त्म कर रहे हैं और आपने देखा कि किसी बंदे ने भी मतलब गैस नहीं कर पाया कि ये गुरमुखी थी और एक देवना, बल्कि देवनागरी का भी लोगों को नहीं पता था। तो इसमें मतलब लोगों का इतना कसूर नहीं है, पाकिस्तान में माहौल इस तरह का है। तो आप मेरे चैनल को आकवर्ड आबी को लाजमी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें, मेहरबानी। चलिए यहाँ पे होगी वीडियो ख़त्म। एंड में जो इसने बोला है बिल्कुल सही बोला है कि इनका कसूर नहीं है, इनके जो इनको किताबें पढ़ाई गई है ना शुरू में उनका कसूर है। बेसिकली मैं बार बार हमेशा बोलता हूँ जो ये अपनी जड़ों से टूट चुके हैं, ठीक है, इनको ये अपनी जो चीज़ें जो पेड़ अपनी जड़ों से टूट जाता है ना वो कभी सर्वाइव नहीं कर पाता, जो इसलिए ये सर्वाइव नहीं कर पा रहे पूरी दुनिया में, ठीक है। तो जैसे फ्रेंच है तो वो या फिर कोई लैंग्वेज होती है उसको आप बोल सकते हो, आप सीख सकते हो, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती, ये आपको सीखनी चाहिए, ठीक है। उसमें भी आप अगर धर्म निकालते हो या कुछ निकालते हो कि ये उस धर्म की है, ये हिंदू है, हिंदी है, तो इनको ये समझ नहीं आती कि आपके अंदर जो खून दौड़ रहा है ना वो भी हिंदू का ही है। इनके अंदर जो पाकिस्तानियों के अंदर खून दौड़ता है ना वो भी हिंदुस्तान का खून दौड़ रहा है। तो ये कोई अरब उरब के, ये कोई वहाँ के बादशाह के बच्चे नहीं थे जो यहाँ पे छोड़ के चले गए हैं वो, ठीक है। तो बाकी ये है कि नॉलेज लेनी बहुत ज़रूरी होती है, इनको नॉलेज नहीं है। आपने देखा टीचर थी, उसकी माँ देखा कैसे भड़क के आई थी आगे,
कि आप उनकी लैंग्वेज हमारे यहाँ पे क्यों दिखा रहे हो, क्यों कर रहे हो? आपने उसका एटीट्यूड देखा था? ये है इनके अंदर, ये है इनके अंदर एटीट्यूड। और ये इनको पता नहीं किस बात पे ये गुमान करते हैं या किस बात पे ये इनको गर्व है कि हम हमारे पास उर्दू है। इनको ये नहीं पता कि उर्दू इंडियन है, इनको ये नहीं पता पंजाबी एक इंडियन लैंग्वेज है, और इनको ये नहीं पता कि इंग्लिश जो जब उसकी माँ बोल रही थी, हर बच्चा बच्चा इंग्लिश बोलती है, वो इंग्लैंड की है। आप लोगों का क्या है, आपकी कौन सी जुबान है? मैं पाकिस्तानी से पूछना चाहता हूँ, आप लोगों की कौन सी जुबान है? अच्छा, आपका आपका डीएनए क्या है? तो मैं सिर्फ इस वजह से नहीं दिखा रहा हूं, वैसे तो मैं पाकिस्तान से बहुत ज्यादा नफरत करता हूं, मेरा दिखाने का मतलब ये था आपको ये वीडियो, और मैं सॉफ्ट भी इस वीडियो में रहा हूं, क्योंकि जो ये इसमें पाकिस्तानी था ना, जो यूट्यूबर है, ये इसने अच्छी एफर्ट किया है, इनको आईना दिखाया है कि अपनी शक्ल देखो। अगर ये इसमें एक चीज और मेंशन कर लेता ना कि जो लैंग्वेज की जो स्क्रिप्ट है ना, इसी स्क्रिप्ट ने पंजाबी बनाई है, उर्दू ने पंजाबी नहीं बनाई, हिंदी ने पंजाबी नहीं बनाई, इस स्क्रिप्ट पहले लिखी गई, बाद में पंजाबी बोली गई, ठीक है? पहले संस्कृत बोलते थे, उसके बाद देवनागरी आई, देवनागरी में भी हम हिंदी जो यूज करते हैं उसमें भी हमारे भी हिंदी में 50 तरीके की हिंदी बोली जाती है। अब बिहार की हिंदी देख लो चेंज, यूपी की हिंदी देख लो चेंज, दिल्ली में हिंदी देख लो चेंज, और हमारे यहाँ पे पंजाब में बोलोगे ना तो वो बिल्कुल ही, हम भी गुड़गोबर कर देते हैं कई बार हिंदी का, हिंदी को पंजाबी में मिक्स कर लेते हैं, क्योंकि जो आपकी बेसिक लैंग्वेज होती है ना, अब बिहार का बंदा अब पंजाबी बोलेगा वो गुड़गोबरी करेगा ना, ठीक है? उसको नहीं आती होगी, लेकिन उसको नॉलेज तो है ना कि ये पंजाबी है, वो ऐसा तो नहीं कर रहा है कि यूपी के भी यूपी की तरह भी बोल रहा है, पंजाबी की तरह भी बोल रहा है, और बंगालियों की तरह बोल रहा है, और अरेबिक भी बीच गुड़गोबर कर देगा। जो आपकी लैंग्वेज होती है वो आपका एक पहचान होती है कि आप कहाँ से बिलोंग करते हो। ये कहते हैं कि ये बड़ी अजीब सी पंजाबी है, ये ऐसी, ओ भाई एक्चुअली पंजाबी जो जहाँ पे रह गई है ना, तुम भाग गए वहाँ पे, टुकड़े कर दिए पंजाब के, असली पंजाबी पंजाब की है, यहाँ की, हमने वो उस पंजाबी को संजो के रखा है, हमने उस पंजाबी के उसी पंजाबी की लैंग्वेज उसको हमने हिंदी में नहीं यहाँ पे ट्रांसलेट करना शुरू कर दिया, कि हमने बोलते तो पंजाबी है लेकिन लिखते हम हिंदी में पंजाबी हैं, स्क्रिप्ट हमारी हिंदी की होती है, हम पंजाबी को पंजाबी में लिखते हैं, हिंदी को हिंदी में लिखते हैं, इंग्लिश को इंग्लिश, ये फर्क है तुम लोगों में हम लोगों में। तो भाई लोगों, आई होप कि आपको ये अच्छी लगी होगी वीडियो, और मैं आशा करता हूँ कि ये बंदा ऐसे ही अपने पाकिस्तानियों को नॉलेज देता रहे, बांटता रहे, ताकि उनको चेहरा दिखे, उनको अकल उकल आए कि क्या कर रहे हैं, कहाँ पे हो। हम बोलते हैं इनका आइडेंटिटी क्राइसिस, वो तो सबको पता ही है, लेकिन आज मैंने आपको वो दिखाया कि इनका जो इनकी पंजाब में पंजाबी बोली जाती है, इन पंजाबियों को भी अपने जो माँ बोली है पंजाबी, उसका भी क्राइसिस है इनको। तो यहाँ तक की वीडियो, आई होप कोई आपको अच्छी लगी, अगर अच्छी लगी लाइक करना, सब्सक्राइब करना, शेयर करना, कमेंट करना, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।